तो गाइस ऐसा है कि चिकन से अब मैं हो चुका हूँ बॉयल, तो मोस्टली अब मैं क्या करता हूँ, मैं चिकन को जो है ग्राइंड करके पी लेता हूँ। तो अभी जो है मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है और आप देख सकते हैं ये है 212 grams ऑफ कुक्ड चिकन ब्रेस्ट, जिससे मुझे मिलेगा ऑलमोस्ट 60 grams ऑफ प्रोटीन। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा वे प्रोटीन ले रहा हूँ मैं, तो ये भैया पतंजलि का है आपके सामने, सिंपल वे कंसनट्रेट है। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं पड़ता झंझट में कि आइसोलेट लेना है या हाइड्रोलाइज लेना है, प्रोटीन तो प्रोटीन है, कहीं को कंसनट्रेट जो है वो ब्लोटिंग करता है, गैस करता है। तो आप ऑब्वियसली आप आइसो ले सकते हो, हाइड्रोलाइज ले सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मनी है। तो बॉडी को जो है प्रोटीन से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि वो आइसो है या हाइड्रो है या कंसनट्रेट है, जैसे ये सिंपल। तो ये अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाया था, 1400 का था आई गेस 1 kg। तो 50 ग्राम इसमें हो गया प्रोटीन, 60 ग्राम इसमें, 110 जो है ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और ये वीडियो मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बॉडी को जो है वो 30 ग्राम से जो है ज़्यादा एक टाइम में बॉडी प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं करती। तो मैं आपके सामने जो है पानी एंड ग्राइंड करके दिखाऊंगा। Here we go. तो 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट, 2 स्कूप्स ऑफ वे, एंड थोड़ा सा पानी और ऐड। तो 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन वन मील, तो ये मिथ है कि एक ही बार में जो है बॉडी 20-30 ग्राम्स प्रोटीन अब्सॉर्ब करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम लाइव एग्जांपल, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर यू हैव द गट्स।